लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के तेवर आज भी ढीले नहीं पड़े हैं। एक नए वीडियो से इस बात की तस्दीक हो जाती है। मंगलवार को लखीमपुर कोर्ट में पेशी पर जाते हुए आरोपी आशीष मिश्रा फुल टशन में दिखाई दिया। वो पुलिस कस्टडी में भी मीडिया के कैमरों को देखते ही मूंछों पर ताव देता नजर आया। आशीष मिश्रा ने ये भी कहा कि मैंने खुद सरेंडर किया है, ऐसी और कोई बात नहीं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और लखीमपुर हिंसा में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने बीते महीने ही निचली अदालत में सरेंडर किया था। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद आशीष मिश्रा के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी थी। फिलहाल आशीष मिश्रा जेल में है और उसे आज CJM कोर्ट में पुलिस कस्टडी में पेशी पर लाया गया था। लेकिन जेल से बाहर आए आशीष मिश्रा का तेवर कैसा था, वो आपको इन तस्वीरों में नजर आ जाएगा। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान केस दर्ज होने पर लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने 4 महीने जेल में बिताए थे। फिर इसी साल 10 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरोपी को जमानत दे दी थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था और सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को मिली जमानत रद्द कर दी थी, तो फिर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि अब फिर मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने जमानत के लिए उच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सोमवार को ही उसकी जमानत अर्जी जस्टिस कृष्ण पहल की सिंगल बेंच ने 25 मई तक टाल दी। आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल पिछले साल 3 अक्टूबर को यूपी के लखीमपुरी खीरी जिले के तिकुनिया में नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य तब बनवीरपुर गाँव जाने वाले थे। नए कृषि कानूनों को लेकर डिप्टी CM के विरोध में किसान सड़क पर उतर आए थे। आरोप है कि इसी दौरान किसानों को गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी की तेज रफ्तार महिंद्रा थार ने रोन दिया था, जिससे 4 किसानों और एक पत्रकार की मौत हो गई थी। घटना के बाद आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने थार के चालक समेत 3 लोगों को पीट पीट कर मार डाला था। इस हिंसा में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी। चश्मदीदों ने दावा किया था कि मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा इस वाहन में सवार था। कई दिनों तक आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी को टाला जाता रहा, लेकिन जबरदस्त विरोध के बाद यूपी की योगी सरकार को आखिरकार आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कराना पड़ा। लेकिन यूपी की जेल में आशीष मिश्रा क्या कर रहा होगा, किस तरह रह रहा होगा, उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।